गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस टुडे वी लर्न अबाउट वी लर्न अबाउट न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स बुक वन क्लास वन यूनिट नंबर यूनिट दिस एंड दिस मतलब के नियर की नज़दीक की चीज़ों के लिए इंडिकेट करने के लिए दिस ओके और ढेट हमने पढ़ा था ओके दूर दूर वाली जो डिस्टेंस में हो ये हमने चैप्टर पढ़ा था ओके धैट यूज बिफोर द पॉइंट आउट द डिस्टेंस थिंग डिस्टेंस के लिए डेट का यूज़ होता है ओके तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ धिस और डेट फिल इन द ब्लैंक विथ धिस और डेट फर्स्ट है ओके दिस इज अ कोक दिस इज अ कुक ओके सेकेंड है डेट इज़ अ पिक कोक डेट इज़ अ पिकोक दूर की चीज़ों के लिए डेट का यूज़ करेंगे ओके जो नज़दीक की चीज है लिए दिस, दिस यह कुक है ओके यह पिको, वह पिक है, है ना? समझ में आया बच्चों के नज़दीक की चीजों के लिए दिस का यूज करेंगे और दूर की चीज़ों के लिए डेट. इंडिकेट करने के लिए दिस एंड डेट, दिस एंड ढेट का यूज हम सिंगुलर के लिए एक ही एक ही चीज़ हो लाइक एक कोई भी आदमी हो खड़ा हो लाइक गर्ल्स बॉय गर्ल बॉय ओके और कोई भी एक चीज के लिए हम दिस और डेट का यूज़ करेंगे ओके दिस इज अ कोक दैट इज़ अ पीक कोक थर्ड है डैश इज द फ्लैग आपको यहाँ लिखना है डेट तो यहाँ पर दिस क्या होगा दिस इज़ अ फ्लैग ओके यहाँ फ्लैग है ओके okay? फोर्थ है डेट बहुत दूर है देखो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है मतलब उसके लिए हम इसके लिए डेट क्योंकि डिस्टेंस में है ना तो ढेट यूज़ करें ढेट इज़ अ फ्लैग बहुत दूर की चीज़ के लिए हम ढेट का यूज़ करेंगे ओके ढेट डेट इज़ अ फ्लैग ओके ढेट इज अ फ्लैग ओके फिर फिफ्थ नंबर है डॉग है ना नज़दीक है हमारे तो दिस इज़ अ डॉग दिस इज़ अ डॉग क्योंकि ये हमारे नज़दीक है ओके नाउ सिक्स नंबर ये बहुत दूर है हमारे से बहुत दूर है हमसे बहुत दूर है तो हमें इसे डेड डेड इज अ हॉर्स हॉर्स बहुत दूर है इसीलिए हम डेड का यूज़ करेंगे ओके फिर सेवन ये भी बहुत दूर है देखो आसमान में उड़ रहा है तो हम ऐसे ही इंडिकेट करेंगे क्या बोलेंगे डेट इज एन एरोप्लेन डेट इज एन एरोप्लेन क्या बोलेंगे इसको डेट इज एन एरोप्लेन आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है प्रैक्टिस करनी ये नियर है मेरे मुझसे नियर है नजदीक है ओके तो हम ऐसे बोल सके दिस दिस इज दिस इज ए स्कूटर दिस इज़ अ स्कूटर क्योंकि नज़दीक है हमसे ओके okay? तो हम ऐसे बोल सकते हैं आपको ये फीलिंग द प्लैंग ऐसे लिखनी है ओके okay, फिर से सेकंड टाइम दिस एंड डेट टी एच आई एस दिस एंड डेट टी एच ए टी दिज को नियरेस्ट के लिए नज़दीक की चीज़ों के लिए डेट को दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ओके okay? दोनों सिंगुलर है ओके okay? सिंगुलर चीज़ों के लिए इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है ओके फील इन द ब्लैंक विथ दिस और डेट दिस दिस इज अ कोक सेकेंड है डेट इज़ अ पिक कोक ओके नाव थर्ड है दिस इज अ फ्लैग और नाव ये दूर है इसलिए डेट इज़ अ फ्लैग नाव फिफ्थ नंबर दिस इज अ डॉग ये दूर है मतलब के ढेट इज अ हॉर्स सेवन नंबर एरोप्लेन दूर है ना तो ढेट इज अ एरोप्लेन एट नंबर दिस इज अ स्कूटर नियरेस्ट है ओके चलो से एंड राइट दिस वर्ड ऑल बॉल कॉल फॉल टॉल वॉल फिर से ऑल बॉल कॉल फॉल टॉल वॉल मैनी डे मे डे वे मे डे वे ट्रे प्ले प्रे ओके नाउ दिस इज अवर चैप्टर इज अ कंप्लीट दीज एंड दोस्त आपको ये चैप्टर आपकी नोटबुक में राइट करना है ओके और सारे स्पेलिंग भी आपको ये सारे स्पेलिंग भी टू टू टाइम राइज करके बोलना है और रीड करना है ओके नाउ टेक यू चिन्स गुड बाय